फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल हायर एजुकेशन एंड मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं आर्यभट्ट कॉलेज की कंपनी डिटेल्स जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में एंड बीएमएस कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया, ड्यूटेट के बारे में मैंने आपको बताया। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं कि किस टाइप के कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस की फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, कॉलेजेस के अंदर कैसी प्लेसमेंट्स है, तो इन चीज़ों को लेकर स्टूडेंट्स काफ़ी वरीड रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए कंप्लीट डिटेल्स में आर्यभट्ट कॉलेज के लिए लेके आया हूँ। सो आर्यभट्ट कॉलेज फेमस मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के नाम पे रखा गया है। 1973 में जब ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था इसका नाम रामलाल आनंद था। 2014-2015 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको अपने अंडर में कर लिया एंड रामलाल आनंद की इवनिंग शिफ्ट उन्होंने आर्यभट्ट के कॉलेज के नाम से बना दी और बाद में आर्यभट्ट कॉलेज की इवनिंग शिफ्ट ही मॉर्निंग शिफ्ट में कन्वर्ट हो गई। तो इससे क्या हुआ, आधा कॉलेज का जो कैंपस है वो रामलाल आनंद का है और आधा कैंपस जो है वो आर्यभट्ट कॉलेज का है। रामलाल आनंद कॉलेज एंड आर्यभट्ट कॉलेज सेम प्लेग्राउंड शेयर करते हैं। आर्यभट्ट कॉलेज बेनिटो जोरेज रोड साउथ कैंपस में आता है। साउथ कैंपस का मतलब होता है जो कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ दिल्ली में, उनको साउथ कैंपस के अंडर में माना जाता है। लिस्ट ऑफ कोर्सेज की बात करते हैं तो यहाँ पे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स हिंदी, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम बीए प्रोग्राम जैसे कोर्सेज यहाँ पे ऑफर करे जाते हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पे एडमिशन प्रोग्राम प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, तो जो इसमें कोर्सेज आप देख रहे हैं बीएमएस एंड बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसके लिए डीयूजेट का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। बाकी कोर्सेज के अंदर आप मेरिट बेस्ड एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। आर्यभट्ट कॉलेज के अंदर अब हम बात करेंगे कि कैसे आप एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। इनका एप्लीकेशन फॉर्म की फीस रहती है 750 रुपीज फॉर एवरी जनरल कैंडिडेट। डीयूजेट का इसका एग्जाम आपको देना होगा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। डीयूजेट का मतलब होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट, जो कि कंडक्ट कराता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब यहाँ पे फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो फीस है दैट इज 26,130, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस कोर्स की फीस है 23,830 पर एनम। एडमिशन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एडमिशन क्राइटेरिया यहाँ पे रहता है कि आपका जो डीयूजेट का एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके अंदर आपके 65% की वेटेज ली जाएगी, क्लास 12th के मार्क्स की 35% की वेटेज ली जाती है। दोनों को कंबाइन करके आपको एक स्कोर मिलता है जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पे काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलेगा। अब काउंसलिंग में क्या करना होता है आपको, जैसे आपने डीयूजेट का एंट्रेंस एग्जाम दिया आप अपने सेट्स ऑफ चॉइसेस डाल देंगे कि भाई मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस पे इस कॉलेज का नाम रखना है, सेकंड प्रेफरेंस पे इस कॉलेज का नाम रखना है, साथ में आप उसके कोर्स के नाम भी लिख दोगे और वो कॉलेज फिर आपको अलॉट हो जाता है। तो इसका एडमिशन प्रोसेस ये रहता है कि अगर आपका अच्छा रैंक है, आपने प्रेफरेंस में आर्यभट्ट कॉलेज डाला है, देन यू विल गेट दिस कॉलेज। अब हम डिस्कस करते हैं कॉलेज की फैसिलिटीज के बारे में। तो यहाँ पे 2-स्टोरी कैंटीन है, मतलब 2 फ्लोर के अंदर कैंटीन बना हुआ है। लाइब्रेरी इनका यहाँ पे काफी बड़ा है जिसके अंदर मोर देन 1 लाख बुक्स आर अवेलेबल एंड मोर देन 2000 ई बुक्स जनरल्स आर अवेलेबल। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। अगर आप अकोमोडेशन देख रहे हैं तो इनके नियर बाय कॉलेज की लोकेशन में काफी सारी जगह पे आपको पीजीज या फिर फ्लैट्स वगैरह मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते तो यहाँ पे कंप्यूटर लैब की फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है। टाइकवांडो, जिमनास्टिक्स, बास्केटबॉल, क्रिकेट, एनसीसी एथलेटिक्स जैसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज यहाँ पे होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनके प्लेसमेंट्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। प्लेसमेंट्स की बात करें तो हाईएस्ट सैलरी पैकेज है यहाँ पे 10 लाख पर एनम, जो कि 2020 का पिछले साल का पैकेज गया है। एवरेज यहाँ पे जो सैलरी मिली है स्टूडेंट को वो है 5 लाख पर एनम सैलरी ऑफर्ड है। और जिस प्रोफाइल पे जॉब मिला था स्टूडेंट को, तो मार्केटिंग में अगर आप देखेंगे तो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट पे यहाँ पे स्टूडेंट्स को जॉब मिली है। और ये जो बेसिकली जॉब्स है ये बीएमएस स्टूडेंट्स की होती है। और जो बच्चे यहाँ पे बीकॉम या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स करते हैं उनके लिए ऑडिट एसोसिएट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इक्विटी रिसर्च, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जॉब मिली है। कंपनीज की बात करें तो काफ़ी रेप्यूटेड कंपनीज ने यहाँ पे आके स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दी, जैसे कि बायजूस, क्लास प्लस, एस्टन कार्टर, लेंसकार्ट, ICI प्रोडेंशियल पढ़ाए, कोरल नॉलेज सर्विसेज जैसी कंपनीज ने यहाँ पे आके स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स प्रोवाइड की हैं।
तो एवरेज सैलरी पैकेज 5 लाख पर एनम है, और जो कि काफ़ी अच्छा है एक तरीके से देखा जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो टॉप कॉलेज आता है सैलरीज में, दैट इज शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़। इसके बाद जितने भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर आर्यभट्ट कॉलेज की जो है प्लेसमेंट्स अच्छी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको एवरेज सैलरी पैकेज 5 लाख पर एनम मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, ये थे डिटेल्स अबाउट आर्यभट्ट कॉलेज। मैंने इस वीडियो में जो ज़्यादा मोस्टली आपको बताया है वो BMS एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बताया है, क्योंकि उनका जो एडमिशन क्राइटेरिया होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। बाकी जो जनरल कोर्सेज हैं उनके अंदर आप मेरिट बेस्ड एडमिशन ले लेते हो तो उसके लिए कुछ ज़्यादा बताने का था नहीं। बाकी यहाँ पे भी जो मेन स्टूडेंट्स का जो डाउट रहता है कि यहाँ पे कॉलेज की प्लेसमेंट कैसे, वो हमने डिटेल में डिस्कस कर ही ली है। सो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल हायर एजुकेशन के साथ इसी तरीके के एजुकेशन कॉन्टेंट के लिए। थैंक यू सो मच।